अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साराज व्लॉग। दिल की गहराइयों से उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लच्छेदार पराठा लेके आए हैं और जो बहुत मज़े का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं क्या होगा, कैसे बनाते हैं। तो जी दोस्तों, हमने तवे को हल्की आँच पर रख देना है। हमने इस तरह से एक पेड़ा ले लेना है, नॉर्मली जो हम आटा गूंथते हैं उसका हमने इतना पेड़ा ले लेना है, ठीक है। तो जनाब अब तो जी दोस्तों, इस तरह से हमने इसको पेड़ा बना लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके बेल लेंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का होता है। इस तरह से हमने बेल लिया। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बेल लेंगे। रोलिंग पिन से हमने इसको बेल लिया। चलें जी, ये हो गया। तो जी इस तरह से हमने इसको बेल लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑयल जो है आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने सेंटर में लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फैला लिया जी। फैलाने के बाद हमने क्या करना है, इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा हम स्प्रेड करेंगे। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। इससे क्या होता है, आपका जो पराठा बहुत अच्छा बनता है, उसके लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। ये एक ट्रिक है, टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक नाइफ ले लेनी है। नाइफ से हमने इसको सेंटर से सर्कल है, इसको सेंटर से हमने इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। इसे फूल पराठा भी कह सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसको लेयर्स को उठाना है। उठा के हमने इसको इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, ऐसे किया, इसको हमने ऐसे रोल कर लेना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये बन गया। कितना खूबसूरत फूल बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे, ये देखें। तो जी दोस्तों, ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आप फिर से बेलेंगे। चलो जी, ऐसा करके इसको हम बेल लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इसको बेल लिया इस तरह से। तो अब हम इसको आहिस्ता से तवे पे डालें। बिस्मिल्लाह, जनाब हमने तवे पे डाल दिया, ठीक है। हल्की आंच पर पकाएंगे इसकी दोस्तों। इस तरह से हमने इस पर जो है ऑयल गिराना, ठीक है। हमने घी लगा लेना है इसको इस तरह से। बिस्मिल्लाह, माने अब हम इसको बदलेंगे साइड इसकी, ठीक है। चलो जी, हमने साइड बदल ली, देखिए माशाल्लाह से। आंच आपने हल्की रखनी, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना जल जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, देखिए। चले जी, हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। तो जी दोस्तों, ये देखिए हमारा लच्छेदार पराठा तैयार हो गया। ये देख रही हैं इसकी आप लेयर्स, माशाल्लाह से, ये कितना क्रिस्पी है। इस तरह से हमने कर लेना, ताकि ये बहुत अच्छी रेसिपी है, मेरी अम्मी जी अक्सर किया करती थी। चले जी, ये हमारा लच्छेदार पराठा रेडी हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको खा सकते हैं सालन के साथ, अंडे के साथ, या किसी दाल के साथ, अचार के साथ। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारा को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ज़िंदगी छोटी सी, इसको एंजॉय कीजिए, खुशी के साथ रहिए। दुआ में याद रखिएगा, सारा को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिल सकें। थैंक यू, खुश रहिए।